नोटबंदी को 30 दिन हो गए, इस एक महीने में काफी बदलाव आए, ऐसे बदलाव जो सदियों में देखने को मिलते हैं। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ भारत बढ़ता गया तो कैश ट्रांजेक्शन बीते दौर की बात हो जाएगा। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। नोटबंदी के 30 दिन, पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद रद्दी का टुकड़ा हुए 500 और 1000 रुपए के नोट 30 दिसंबर तक आप पुराने नोट बैंकों में जमा कर सकते हैं। सिर्फ कुछ जगह ही पुराने नोट का इस्तेमाल हो रहा है। इस बीच सरकार ने 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए हैं। बैंक वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, एक काउंटर चल रही है जबकि इस बैंक में 3 काउंटर चलते थे कैश के, अभी के डेट में 1 काउंटर चल रहा है। या तो कैश है फिर भी 1 काउंटर क्यों चल रहा है? इसी तरीके से लाइन लगी हुई है जैसे पहले थी और वैसे ही अब है। लाइन में कोई बदलाव नहीं है, ना ही बैंक वाले कोई हमारे साथ देते हैं। इतने लोग लगे हुए हैं, पैसे मिल नहीं रहे, आम जनता को तो परेशानी हुई है। अभी तो काफी कुछ बेहतरी हो गया है, काफी जगह अभी हम हजरतगंज में भी 500 के भी नोट निकल रहे हैं, यहाँ भी निकल रहे हैं। मैं तो काफी देर से लाइन में लगा हुआ हूँ, बहुत समस्या हो रही है और इस चीज को कोई भी नहीं समझ रहा, कोई भी अथॉरिटीज। 500 और 2000 के नए नोट जारी। नोटबंदी के बाद पब्लिक को काफी परेशानी आई, घर की बचत हाथ से निकल गई, अब वो बैंक अकाउंट में जमा हो गई, लेकिन खर्च के लिए कैश की दिक्कत होने लगी। ATMs और बैंक में 2000 रुपए तक के लिए लंबी लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। अभी बहुत डाउन हो गया, 8 तारीख के बाद बहुत पब्लिक भी कम है, लेने वाले पब्लिक भी आते नहीं कुछ ने। अच्छा ही काला धन के लिए अच्छा किया है, जो मोदी साहब ने किया अच्छा ही किया। फिलहाल तो सुचारू हुई है, चालू हो गया अभी अभी, और दिन ब दिन जैसे आएंगे वैसे और सुधार हो जाएगा उसमें। कैशलेस लेन देन करेगा इंडिया। सरकार ने कैशलेस इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाया। डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर सर्विस चार्ज खत्म किया गया। लोग ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, पेटीएम, ई वॉलेट का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। जनधन में बम्पर डिपॉजिट, जनधन खातों में भी जमकर डिपॉजिट हुआ। 8 नवंबर से 2 दिसंबर तक जनधन खातों में 37,219 करोड़ रुपए जमा हुए। औसतन एक जनधन खाते में 13,113 रुपए डिपॉजिट हुए हैं। इंडिया करवट बदल रहा है, कैश इकोनॉमी से डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सदियों से नगद पर निर्भर रहने वाले भारत को पूरी तरह बदलने में लंबा वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। SBI चेयरमैन ने कहा कि नोटबंदी से आई मुश्किलें बहुत जल्द सामान्य हो जाएंगी। 30 दिसंबर के बाद निकासी सीमा को हटाया जाएगा और 500 के नोट सिस्टम में तेजी से डाले जा रहे हैं, जिससे स्थिति जल्द से जल्द सामान्य होने की उम्मीद है। CRR की वजह से ब्याज दरों में कटौती नहीं कर पा रहे थे, लेकिन CRR खत्म होने के बाद अब मौका है कि ब्याज दरें घटाई जा सकती हैं। हम लोग को कह रहा है कि महीने के बीच बीच तक हमारे पास 500 के और भी नोट्स आएंगे। आज के दिन में सबसे क्या मुश्किल हो रहा है, 2000 और 100 के बहुत नोट हम लोग बांटे हैं, लेकिन 2000 और 100 के बीच में जितना फर्क है ना, उससे इसका यूज करना यानी जाके बाजार में इसको स्पेंड करना वो लोगों कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें जो गैप है बहुत बड़ा गैप है। तो इसीलिए 500 के नोट की आज बहुत जरूरत है। 500 की नोट अभी आ रही है, ज्यादातर हम लोग उसको ATM में डाल रहे हैं। महीने के बीच तक हम लोग को कहा जा रहा है कि 500 की नोट की जो सप्लाई है वो और बढ़ेगी। अगर वो बढ़ेगी और तो हम लोग इसको काउंटर से भी देना चालू कर सकेंगे, से 500 की नोट ज्यादा पहुंचेगी लोगों तक। और वो जब लोगों के पास पहुंच जाएगी तो जो डिफिकल्टी अभी दिख रही है वो सारे मुश्किलें आसान हो जाएंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी सिमिलरली ऑफ अ लेंडिंग रेट रिडक्शन, बिकॉज अगेन हम लोग बार बार ये कहते आए हैं कि ट्रांसमिशन तभी होती है जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा होने से जो होता है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो घट जाती है। इस महीना भी कॉस्ट ऑफ फंड्स घटती, लेकिन ये CRR की जो नेगेटिव कैरी आ गई उसके लिए हमारी कॉस्ट ऑफ फंड घटी नहीं, लेकिन CRR की जो नेगेटिव कैरी है वो अभी चला गया है।
is now beyond behind us. To that extent, the cost of funds will come down. And if cost of funds come down, then the lending rates will also come down.